तो गाइज अभी मैं मूवी देख के आया हूँ खेल खेल में, बहुत ही जबरदस्त मूवी थी। जैसा मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि अक्षय कुमार की वन ऑफ द बेस्ट मूवी होगी रिसेंट टाइम्स में, वैसे ही था। कॉमिक टाइमिंग मतलब एक्यूरेट, सारी स्टार कास्ट में मतलब इतना अच्छा काम करा सारी स्टार कास्ट ने, मजा आ गया। सरप्राइजिंग फैक्ट तापसी पन्नू थी, बहुत ही मजा आया इस मूवी को देख के। तो मैं इस मूवी को 4 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5 और आपको पब्लिक ओपिनियन भी दिखाता हूँ। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि अक्षय कुमार का कमबैक कहीं ना कहीं इस फिल्म को कहा जा रहा था। हालांकि मेरी उम्मीदों पर इतनी फिल्म खरी नहीं उतरी है, मुझे फिल्म ठीक लगी वन टाइम वॉच के लिए। और काफ़ी कुछ मैसेजेस है रिलेशनशिप और शादी वगैरह को लेकर के, 2-3 सीन सब पूरी फिल्म खत्म हो गई है। तो मुझे लगता है वन टाइम वॉच के लिए ठीक ठाक फिल्म है। जितना ट्रेलर में था उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें इस फिल्म में देखने को नहीं मिला है, उतने ही कुछ फिल्म में भी हमें देखने को मिला। तो मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगी। तो सबसे अच्छा किसका रोल लगा? अक्षय कुमार के आगे कोई है नहीं जैसा लगता है कि बाकी जो एक्टर्स हैं वो ठीक है। जो फैन फॉलोइंग अक्षय की है, जो उनका स्टारडम है, उसके आगे भी कोई भी नहीं है उनमें से, तो अक्षय कुमार। मूवी बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। तपस्वी पन्नू, अक्षय कुमार वगैरह सबकी बहुत अच्छी एक्टिंग हुई थी। बाकी मेरे को हिसाब से मेरे को तो एडल्ट फिल्म लगी। अच्छा, तो सबसे अच्छा काम किसका लगा? हाँ जी, सबसे अच्छा रोल किसका लगा? सबसे अच्छा अक्षय कुमार का लगा मुझे, उनके डायलॉग्स वगैरह फनी, कॉमेडी मूवी थी और बढ़िया मूवी थी। तो 5 में से कितने स्टार दोगे? 5 में से 4 स्टार दूंगा। मूवी बेहतरीन है। इट्स ऑन टुडेज जो हम लोग समाज में रिश्तों से भाग रहे हैं और कहीं उलझे हुए हैं अपने SMS में, WhatsApp एंड ऑल दैट, सो लीड थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर एक मूवी बनी है। अक्षय इज डन वेरी नाइस परफॉर्मेंस, अक्षय इज अ जेंटलमैन, तो आई एम ऑलवेज विद हिम। वानी कपूर का अच्छा रोल है एज हिज वाइफ, एमी वर का बहुत बेहतरीन रोल है, फरदीन खान छा गए हैं बिकॉज उनको हमने almost I've seen him after 25 years, so I think he's done very good, and the rest of the actresses are also performed well. The movie I think hit movie honi chahiye, it's a nice entertainer, family entertainer. To 5 mein se kitne star doge aap? 3.5. बढ़िया थी, मज़ा आया देख। सबसे अच्छा किसका रोल लगा? तापसी, अक्षय कुमार, दोनों बढ़िया थे। तो लगता है अक्षय कुमार का कम बैक होगा इस मूवी से? नहीं नहीं, ऐसा 5 में से कितने स्टार दोगे? 3। अभी ज़्यादा भाई बढ़िया मूवी थी, जिस तरीके से अक्षय कुमार का कम बैक हुआ है ना, वो देख के बिल्कुल मज़ा ही आ गया, मतलब पैसा उसको पिक्चर में। तो सबसे अच्छा रोल किसका लगा? अक्षय कुमार और कैसे, और फरदीन खान का रोल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो 5 में से कितने स्टार्स हो? 3.5। मूवी देखी खेल खेल में, वाकई में फिल्म में दम है और मैं ट्रेलर देख के ही लग रहा था कि अक्षय कुमार का कम बैक हो जाएगा इस फिल्म से, क्योंकि अक्षय कुमार की काफ़ी टाइम से फिल्म कोई चली नहीं है। सो ये फिल्म देखने के बाद, ट्रेलर देखने के बाद लग रहा था कि भाई कुछ कॉमेडी वोमेडी, कुछ पुराना वाला अक्षय कुमार का फैक्टर मिलेगा, और वाकई में मिलता है इसमें। और बाकी जो कास्ट है, फरदीन खान, एमी वर्क, तापसी पन्नू, वानी कपूर, प्रज्ञा जायसवाल, सब ने बहुत अच्छा काम किया, सब ने वाकई में। हालांकि रीमेक मटेरियल है लेकिन फिर भी फिल्म ने काफ़ी अच्छा इम्प्रेस किया वाकई में। तो जैसा लग रहा है कि 2-3 मूवीज इस बार रिलीज हो रही हैं, तो लगता ही है कि मूवी अपनी जगह बना पाएगी? बनानी तो चाहिए भाई। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपके रिव्यू में कि अक्षय कुमार को कम ना समझे, फिल्म में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म में बहुत अच्छा एंटरटेन किया है। तो 5 में से कितने स्टार दिए? 4 स्टार। तो ये तो था पब्लिक का रिव्यू, एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, एंड जय हिंद।